हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक अनदर कोर्स के बारे में। द कोर्स इज प्रिस्क्रिप्शन ड्रग मिसयूज एंड एडिक्शन द कंपेंशिएट केयर फॉर अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड दिस इज द कोर्स फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन। सो दिस कोर्स इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द हेल्थ केयर स्टूडेंट्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग द बी फार्मेसी एम फार्मेसी ऑल द MBBS BDS एंड एवरीवन। सो ये जो कोर्स है ये एक्चुअली प्रेजेंट किया जा रहा है साइकेट्री एंड बिहेवियरल साइंस डिपार्टमेंट एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन। ओके, इट्स अ ऑनलाइन कोर्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे कोई आपको पैसे नहीं देना होगा, टोटली फ्री। एंड इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद यू विल बी एलिजिबल टू गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। एनीवन फ्रॉम हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ओके और हेल्थ केयर एजुकेशन कैन डू दिस कोर्स। इस कोर्स में आप लोग क्या क्या सीखोगे मैं आगे आप सबको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो पेज देख रहे हो आप लोग, इस पेज पे आ जाना है। यहाँ पे आपको एनरोल करना होगा इस कोर्स के लिए। तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो या फिर स्टैनफोर्ड के ऑनलाइन वेबसाइट से भी आप लोग इसको सर्च कर सकते हो। ठीक है, आप कोर्सेस में जाना एंड कोर्सेस में जाके के बाद प्रेस्क्रिप्शन ड्रग मिसयूज आपको दिखेगा। आपको सबसे पहले एनरोल नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, आपको एक दूसरे साइट पे ले जाएगा जैसे आप इसको क्लिक करना। बट बिफोर दैट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में या फिर स्टैनफोर्ड ऑनलाइन में आपका अकाउंट बना कर रखना। ठीक है, कैसे बनाओगे? सबसे पहले ये जो पोर्शन है माई स्टैनफोर्ड कनेक्शन, ये जो एक ऑप्शन है इस पर क्लिक करना। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक वेलकम का मैसेज आएगा। यहाँ पे अगर आप न्यू यूज़र हो या फिर अगर आपने पहले किया है तो लॉगिन कर लेना। अगर आप न्यू यूज़र हो तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और री एंटर करके क्रिएट कर लेना अकाउंट। और अगर आपके पास अकाउंट है तो सिंपल आप लोग यहाँ पे आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक कर लेना। एंड यहाँ पे आपको यूज़र नेम देना होगा, पासवर्ड देना होगा, दोनों को देकर। यूज़र नेम मतलब आपका जो ईमेल आईडी है, ठीक है, इन दोनों को देकर लॉगिन कर लेना सबसे पहले। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू। देन आप लोग एनरोल करो, एनरोल पे क्लिक करोगे तो ऐसे आ जाएगा, आपको एक न्यू साइट पे लिया जाएगा। तो इसको आपको ओपन पे क्लिक कर देना। जैसे आप लोग इसको ओपन को क्लिक करोगे यू विल बी रिडायरेक्ट टू द edx.org दिस वेबसाइट। दिस इज़ द वेबसाइट जहाँ पे आप लोग इसको लर्न करोगे। बट दिस कोर्स इज़ टोटली ऑर्गेनाइज बाय द स्टैनफोर्ड ऑनलाइन। ठीक है, तो इसमें भी आपको एक अकाउंट बनाना है। मेक श्योर कि दोनों का जो मेल आईडी है वो सिमिलर हो, राइट? जो अकाउंट हो उसका मेल आईडी सिमिलर हो, भले पासवर्ड अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे आपको इस कोर्स के बारे में देखेंगे ऑल द थिंग्स लाइक 1 week सेल्फ प्लेस्ड फ्री ऑफ कॉस्ट द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस्क्रिप्शन ड्रग मिसयूज एंड एडिक्शन, राइट? ओके, नीचे जाओगे तो आप लोग यहाँ पे स्टार्ट्स फ्रॉम 19 September बिकॉज टुडे इज लाइक डेट एनरोल्ड। आपको आप एनरोल्ड हो चुके हो, इस पर क्लिक किया हो तो ठीक है, आपको गो टू कोर्स आपको करना है। क्या क्या सीखोगे, अबाउट द कोर्स सब कुछ दिया है यहाँ पे। आप इंस्ट्रक्शन पे देख सकते हो, सब्जेक्ट है सोशल साइंस का, लेवल है एडवांस लेवल, कोई प्रीग्रेड्स को नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज है, वीडियो ट्रांसक्रिप्ट इंग्लिश में है, एसोसिएटेड स्किल्स क्या क्या सीखेंगे आप लोग उसके बारे में, ठीक है, व्हाट यू विल लर्न में आप लोग इसके बारे में सो मोर करके पूरा जो डिटेल्स है लाइक टोटल ऑल द थिंग्स सीख सकते हो आप लोग। टेस्टिमोनियल, इंस्ट्रक्टर कौन इंस्ट्रक्शन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारा कुछ सीख सकते हो। सबसे पहले आपको एनरोल्ड एंड गो टू कोर्स पे जाना होगा। गो टू कोर्स पे जाओगे तो यहाँ पे भी आपको एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है सबसे पहले तो, ठीक है। मेक श्योर कि यू हैव अकाउंट विद द सेम मेल आईडी। अब उसके बाद यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिखेगा। सबसे पहला है कोर्स, राइट? द फर्स्ट इज कोर्स, प्रोग्रेस, डेट्स एंड डिस्कशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट्स डिस्कशन। प्रोग्रेस मतलब आप जितने भी परसेंटेज कोर्स को कंप्लीट कर रहे हो, जितने क्लासेस, जितने PDFs, उतना आपका प्रोग्रेस होगा। और कोर्स पे आपको सारा कुछ करना है, ऐसे स्टार्ट होगा, राइट? सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन करना है, देन Module 1, देन Module 2, देन Module 3। अब Module 1 के अंडर बहुत सारे वीडियोस PDFs आपको एक वन बाय वन देखना है। और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा यहाँ पे सारा जो लाइक ऑल द थिंग्स यहाँ पे मेरा ग्रीन हो गया है। अगर आपका कोई भी एक इनमें से ग्रीन नहीं होता है तो आप सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल नहीं होते हो या फिर एग्ज़ाम देने के लिए। तो मेक श्योर कि ये सारे कोर्सेज के मतलब सारे क्लासेस एंड ऑल द थिंग्स आप लोग कंप्लीट करते हो विदाउट एनी स्कीपिंग, ठीक है? कोई स्कीप मत करना, अदरवाइज एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपको गूगल में आंसर नहीं मिलेंगे, राइट? मॉड्यूल 3 को कंप्लीट करोगे सिमिलर वे पे, फिर एक कोर्स रैपअप है जहाँ पे रिमार्क्स है कुछ, देन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप लोग CME पोस्ट टेस्ट, ये जो सारे चीज़ें आप लोग यहाँ पे लाइक स्टडी करोगे उनके बेसिस पे यहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा, ओके, राइट? इस टेस्ट को जब कंप्लीट हो जाएगा, इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए भी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस पे आपको करना होगा। देन आप लोग रिसोर्स, इस सेक्शन को अगर रिसोर्स एंड रेफरेंस को ना भी दोगे तो चलेगा, लाइक CME इवोल्यूशन एंड क्लेम क्रेडिट तक आपको करना है। सबसे पहले आप इस पे चले जाना, ये लास्ट स्टेप, राइट? इसको जैसे आपका हो जाएगा मतलब सब कुछ टेस्ट वगैरह पूरा आपने कर लिया, यहाँ पे फुल मार्क्स आपको मिल गया, फिर नेक्स्ट करना,
करने के बाद, और उससे पहले एक बार प्रोग्रेस पे देख लेना कि ये जो प्रोग्रेस आपका 100% हुआ है कि नहीं। ओके, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, मेरा कोर्स कंप्लीटेशन जो है 89% है, ये 100% आपका होना चाहिए। एंड जो ग्रेड है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो पासिंग ग्रेड है मतलब जो एग्ज़ाम का पासिंग ग्रेड, वो 75% मोर देन 75% आपको लेना है। एंड मेरा यहाँ पे 100% स्कोर हुआ है, तो आप 75% से ऊपर रखना। राइट, यहाँ पे आपको दिखेगा पोस्ट टेस्ट क्रेडिट आपको कितना मिला है, यहाँ पे लाइक स्कोर कितने मिले हैं एंड वेटेज कितने, ग्रेड कितने मिले हैं, तो आपको यहाँ पे 75% से ऊपर करना है। सब ये सब हो जाने के बाद आप लोग डायरेक्टली चले जाना, लाइक जैसे दिख जाए कि सारा कुछ हो गया, यहाँ पे आपको यहाँ पे जो CME एवोल्यूशन एंड ये जो पोर्शन है इस पे चले जाना है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्टैनफोर्ड मेडिकल कंटिन्यू एजुकेशन, कैसे क्रेडिट को आपको क्लेम करना है, ये सब कुछ दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा था सबसे पहले स्टैनफोर्ड का जो एक अकाउंट वो क्रिएट करके रखो। जैसे इस पर क्लिक करोगे क्लेम क्रेडिट हेयर, ऑटोमेटिकली ये आपको स्टैनफोर्ड की वेबसाइट पे ले जाएगा। आप लोग ईमेल आईडी एंड पासवर्ड देके लॉगिन कर लेना। एंड जैसे आप लोग लॉगिन कर लोगे, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग एक पोर्शन देख सकते हो, राइट, ये वाला जो पोर्शन MyCE, उससे पहले आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, इसको आपको फिलअप करना है, राइट, कि मैंने इवोल्यूशन लाइक मैंने ये कोर्स किया है, अब मैं लाइक एक क्रेडिट पॉइंट पुट करूँगा मैंने किया है कि नहीं, एक ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, मतलब एक रिव्यू टाइप का पेज है ये, आपको पूरा फॉर्म सबमिट करना होगा तभी जाके आप लोग सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होगे। सबसे पहले आपको क्रेडिट देना होगा कि लाइक द नंबर ऑफ क्रेडिट्स यू आर क्लेमिंग, ठीक है, राइट। सो द राउंड नियरेस्ट क्वार्टर आवर इज 1 hour 15 minutes इजिकल्स टू 1.25। तो अगर आप लोग फार्मासिस्ट हो, इन सिंपल यहाँ पे आप नॉन फिजिशियन पार्टिसिपेंट देख सकते हो 2.00 hours, ठीक है, तो उस हिसाब से अपना क्रेडिट दे देना जो भी कन्वर्ट करके हो रहा है। ओके, राइट, आई अटेस्ट दैट आई हैव कंप्लीटेड द एक्टिविटी, इसको टिक कर देना। ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, जैसे सेटिस्फेक्शन आपको लगता है सारा कुछ दे देना, लाइक एग्री डिसएग्री जो भी है, कहाँ से मिला है आपको, या आप लोग लाइक सोशल मीडिया दे सकते हो। ओके, उसके बाद आप लोग MyCE में, ये जो वेबसाइट, इस पे चले जाना MyCE में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इवोल्यूशन एंड सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन है, राइट, इवोल्यूशन एंड सर्टिफिकेट ये वाला, इस पे क्लिक करना। ओके, इस पे क्लिक करना, इसे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि कौन कौन से कोर्स आपने इन बिटवीन द स्टार्ट डेट एंड एंड डेट पे किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग मिसयूज एंड कॉम्प्लिकेशन, सो डाउनलोड सर्टिफिकेट पे जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे तो आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा, ठीक है। अब इस सर्टिफिकेट को आप लोग अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, जहाँ पे भी चाहो शेयर कर सकते हो, सर्टिफिकेट बहुत अच्छा है। एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट तो ऑब्वियसली आप लोग अपने CV में कोर्स को ऐड कर सकते हो, बट मेक श्योर जो कोर्स आप लोग कर रहे हो, जो सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है, उससे अगर कुछ क्वेश्चन आए इंटरव्यू में तो यू कैन अटेंड दैट क्वेश्चन, राइट। अगर नहीं अटेंड कर पाए तो इस कोर्स करने का, सर्टिफिकेट लेने का कोई मतलब नहीं होता। तो मेक श्योर सारे क्लासेस को अटेंड करते हो, एग्जाम को देते हो एंड कुछ सीखते हो कोर्स से, तभी जाके इसका कुछ बेनिफिट्स होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, एंड ऐसे टाइप का और भी सर्टिफिकेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करता रहूँगा इस चैनल पे। उसके लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब रखना एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।